हाय एवरीवन, आज फिर से हम शुरू करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर नंबर आपको सेकेंड है रियल एनालिसिस, वो शुरू करने वाले हैं। और ये स्पेशल वीडियो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए है। बाकी यूनिवर्सिटी के जितने स्टूडेंट हैं अपना सिलेबस मैच करें और वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप लिंक मिलेगा, ज्वाइन हो जाओ। वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और वहीं से आप ज्वाइन हो जाइए। ज्वाइन होने के बाद वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम, आपको क्वेश्चंस हैं कहीं जो भी वीडियो में प्रॉब्लम हो रहा है तो वहाँ से इजीली डिस्कस कर सकते हैं, मैं भी वहाँ पर आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। हम कर रहे हैं चैप्टर 2 बाउंस एंड इंटरवल कर रहे हैं, ठीक है। बाउंस एंड इंटरवल में प्रीवियस वीडियो में हमने आर्क मीडियन की प्रॉपर्टी की थी, उसके कुछ कॉलर किए थे, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं का यूज करके आज हम दो थ्योरम करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो में पहली बार आए हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं और आज हम यही दो थ्योरम करेंगे जो आर्किमिडियम की प्रॉपर्टी पर बेस्ड था। हमने आर्किमिडियम की प्रॉपर्टी क्या पढ़ा था, एक बार उसको देखते हैं। आर्किमिडियम की जो प्रॉपर्टी हमारी क्या थी कि अगर हमारे पास दो रियल नंबर हैं जो पॉजिटिव रियल नंबर हैं, पॉजिटिव रियल नंबर ए और बी है, तो एक पॉजिटिव इंटीजर आपको ऐसा एन एग्जिस्ट करेगा जो अगर हम एन इंटू ए करें तो ग्रेटर देन होगा बी से, और यही आपकी आर्किमिडियम प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी इस थ्योरम में यूज करने वाले हैं। तो एक बार प्रीवियस वीडियो आप जाकर देख लीजिए कि आर्किमिडियन की प्रॉपर्टी, उसकी कॉलरी क्या है, तभी समझ में आपको आसानी से आएगा, ठीक है। और बार बार आप कमेंट में क्वेश्चन ना पूछिए, मैं बार बार बोल रहा, वीडियो कमेंट में कोई कितना नहीं रिप्लाई करेगा, ग्रुप में जाओ, ग्रुप में जुड़ो, ग्रुप में से क्वेश्चन पूछो, डिस्कस करो, कोई भी प्रॉब्लम वहां डिस्कस करो, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो ये रहा इसकी आर्किमिडियन की प्रॉपर्टी, उसका एक बार वीडियो आप जाके देख सकते हैं, वॉच कर लिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आज हम क्या करने वाले हैं, दो इंपॉर्टेंट थ्योरम करेंगे। ये आपका रियल लाइन है, सपोज यहां पर नंबर कोई ए है और यहां पर बी है, दो रियल डिस्टिंक्ट रियल नंबर के बीच आपको इनफाइनाइट रेशनल नंबर, मतलब दो रियल नंबर के बीच आपको रेशनल नंबर लाइज करेगा पक्का है, और लाइज करने के साथ साथ इसके बीच आपको इनफाइनाइट रेशनल नंबर मिलेंगे, ठीक है। जैसे एक बार मैं और एग्जांपल लूं, 0 लेता हूं और 1 लेता हूं, इसके बीच रेशनल नंबर लाइज करेंगे और वो इनफाइनाइट मिलेंगे। तो फर्स्ट थ्योरम हमारा यही है और यही प्रूव करेंगे। सेकेंड थ्योरम कह रहा है कि अगर दो डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर है तो उनके बीच इरेशनल नंबर लाइज करेंगे, मतलब मिलेंगे। जैसे यहां पर बात करूं इसके बीच में, यहां पर आपको कहीं ना कहीं √2 नजर आएगा, और √2 आपका क्या है, एक इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या है। तो कहने का मतलब यह है कि दो अगर आपके पास रियल नंबर है, डिस्टिंक्ट रियल नंबर है, उनके बीच आपको इरेशनल नंबर लाइज करेगा, मिलेगा, और क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा, ठीक है। तो यही दो थ्योरम आज हम करेंगे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डेंसेंसेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, इसको हम यही बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि थ्योरम क्या कह रहा है। तो आइए देखते हैं थ्योरम क्या कह रहा है। तो आइए पहला थ्योरम देखते हैं, पहला थ्योरम क्या कह रहा है। कह रहा है 6.1, बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर देयर ऑलवेज लाइज अ रेशनल नंबर एंड देयर इनफाइनाइट मेनी रेशनल नंबर। कह रहा है कि दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर के बीच ऑलवेज एक रेशनल नंबर लाइज करेगा आपको, और लाइज भी करेगा तो वो इनफाइनाइट लाइज करेंगे, ठीक है। यही थ्योरम आपका है, आपने छोटी क्लासेस में इसको प्रूफ मतलब देखा होगा कि आपको बताया भी गया दो रेशनल नंबर के बीच आपको 3 रेशनल नंबर निकालो, 2 रेशनल नंबर निकालो, फाइंड किया गया होगा, ठीक है। तो आज हम डेंसेंस प्रॉपर्टी के थ्रू ये जानेंगे कि दो रेशनल नंबर, मतलब दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर के बीच हमें इनफाइनाइट रेशनल नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए कैसे इसको प्रूफ करेंगे ये देखते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे इस थ्योरम को हम प्रूफ करेंगे। हमने अभी बताया था आपको आर्किमिडियन की प्रॉपर्टी के बारे में बताया था, एक बार वो देख लीजिए आर्किमिडियन की प्रॉपर्टी क्या होता है।
तो प्रूफ में सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट स्मॉल ए एंड स्मॉल बी टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर, क्या करेंगे, दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर हम कंसिडर करेंगे ए और बी, ठीक है, सच डैट जो ए होगा वो लेस होगा बी से, यानी ए छोटा होगा बी से, ठीक है, ए लेस देन बी, देन अगर ए लेस है बी से, जैसे अगर सपोज मैं यहाँ पर टू और थ्री लेता हूँ, दो नंबर मैंने यहाँ पर लिया, तो क्या है टू लेस है थ्री से, लेकिन अगर थ्री माइनस हम टू करते हैं तो वन पॉजिटिव आता है, क्या आता है पॉजिटिव आता है, तो वहीं पे यहाँ पर किया गया है कि ए लेस देन बी, देन बी माइनस अगर ए हम कर रहे हैं तो ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल से यहाँ पर समझाया कि दो और तीन मैंने लिया, दो छोटा है थ्री से, लेकिन थ्री माइनस अगर हम टू करें तो वो वन आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो हमेशा बी माइनस ए क्या आएगा, अगर दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर लेंगे ए छोटा होगा बी से, तो अगर बी माइनस ए करेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, ठीक है, आपने एग्जाम्पल से भी देख लिया, ठीक है। अब देयर फॉर आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, अब यहाँ पर हम आर्किमिडियन प्रॉपर्टी यूज करेंगे, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर हैं, पॉजिटिव रियल नंबर हैं, तो एक ऐसा आपको इंटीजर मतलब यन मिल जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर जो एन ए ग्रेटर देन होगा बी से, तो वही यहाँ यूज करेंगे, तो बाई देयर फॉर बाई आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एन सच डैट, अब देखो एक पॉजिटिव इंटीजर हमने क्या लिया b माइनस ए ले लिया, और एक हमारा वन है, क्या है वन है, तो हमने जब b से b माइनस ए से इंटू n करेंगे तो वन से क्या आएगा बड़ा आएगा, वही हमने यहाँ पर लिया, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी यही तो कहता है, a b दो रियल नंबर है, एक ऐसा n आपको मिल जाएगा तो n ने क्या होगा ग्रेटर देन होगा b से, यही तो कहता है आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, तो यहाँ से n इंटू बी माइनस ए ग्रेटर देन होगा वन से, मल्टीप्लाई करो n से, मल्टीप्लाई करने के बाद इस n को राइट साइड लेके चले जाओ और इसको कर लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसके बाद आल्सो फॉर n जो होगा, जो भी n होगा ये रियल नंबर से होगा, तो अब यहाँ पर एक और हमने कॉलेज थ्री पढ़ा था आर्किमिडियन का, कि कोई अगर आपके पास रियल नंबर x है तो एक ऐसा n मिलेगा जो लेस n लेस देन x लेस देन क्या होगा n प्लस वन होगा, ये कॉर्नरी थ्री है आपके बुक में, और मैंने कराया भी है कि अगर कोई रियल नंबर x है तो एक ऐसा आपको इंटीजर n मिलेगा जो n लेस देन इक्वल टू x लेस देन n प्लस वन होगा, तो वही कॉर्नरी यहाँ पे हम यूज करेंगे, क्या करेंगे यूज करेंगे, तो देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर m सच डैट m माइनस वन लेस देन n लेस देन m, बात वही हुआ, उसको आप इधर ले जाओगे राइट साइड तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, इस वन को आप ले जाइए राइट साइड में, तो n प्लस वन क्या हो जाएगा ग्रेटर देन होगा इक्वल टू होगा किस से m से, क्योंकि ये क्या है m माइनस वन लेस देन n से, तो n राइट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, अब यहाँ से ये क्या है ग्रेटर देन है n से, इसको कर लिया टू। अब ध्यान से आप इक्वेशन फर्स्ट देखिए, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को देखिए, ध्यान से देखिए, फ्रॉम वन एंड टू वी हैव, जो ये आपका एन बी होगा ना वो किससे ग्रेटर देन है एन प्लस एन ए प्लस वन से, यानी इससे बड़ा है, तो एन बी ग्रेटर देन यम और ऑलरेडी एन ए दिया हुआ, तो ये आपको यहाँ पर मिल गया एन बी ग्रेटर देन यम ग्रेटर देन एन ए। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में एन से आप क्या कर दो डिवाइड कर दो, तो जब एन से डिवाइड करोगे तो बी ग्रेटर देन यम बाई एन और ये हो जाएगा ए, और ये देखिए आपको दो आपने डिस्टिंक्ट रियल नंबर लिया और यम बाई एन क्या मिल गया आपको एक रेशनल नंबर उसके अंदर मिल गया, दस देयर एग्जिस्ट रेशनल नंबर सी, अब इसको हमने नाम दे दिया एम बाई एन को सी दे दिया, सच डैट ए लेस देन इक्वल टू सी और लेस देन इक्वल टू लेस देन एम, यानी जब हमने दो रियल नंबर लिया तो उनके बीच एक हमें रेशनल नंबर सी मिल गया जो एम बाई एन होता है, एम बाई एन है। अब आपको क्या करना है, ऐसे ही कंटिन्यू आपको निकालते रहना है, मतलब अब हम इसमें ए बी लिए थे, अब आपको ए सी लेना है, तो एक आपको रेशनल नंबर सी वन मिल जाएगा, ठीक है, जो कुछ एम वन बाई एन एन के फॉर्म का होगा, उसके बाद एक आपको सी और बी के बीच में एक ऐसा ही आपको ले के चलिए, तो आपको एक सी टू रेशनल नंबर मिल जाएगा, ऐसे ही कंटिन्यू हम करते जाएं तो हमको इनफाइनाइट दो रियल नंबर के बीच हमें इनफाइनाइट रेशनल नंबर मिलेगा, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें आगे देखिए क्या मैंने कहा कि अगर आपको सी एक रेशनल नंबर मिल गया ए और बी के बीच में, तो आप ए सी को लीजिए, एक ऐसे प्रोसेस करिए, ठीक है,
तो आपको एक C1 रेशनल मिल जाएगा, सिंस CB को लीजिए C2 मिल जाएगा। देखिए कैसे रिपीटिंग द एबव आर्गुमेंट AC को आप एक साथ एंड CB वी गेट रेशनल नंबर C1 एंड C2। हमने क्या कहा था कि A < C < B आया था और C आपका क्या था m/n एक रेशनल नंबर मिला। तो अब आपको इन दोनों को एक पॉजिटिव रियल नंबर लेके और कमेडियन की प्रॉपर्टी जब अप्लाई करोगे तो इसके बीच भी आपको एक C1 रेशनल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और फिर ऐसे ही आपको C < C2 एक आपको क्या मिल जाएगा, एक रेशनल नंबर मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो कंटिन्यू ऐसे ही प्रोसेस करते जाइए आप। तो यहां से देखिए यहां पर A < C1 > C, उसके बाद C < C2, ठीक है, यहां पर < B। तो दिस अब ये पूरे कंक्लूजन से हमको मिल रहा है क्या, देखो यहां पर A < C1 > C, मतलब A और C के बीच में एक रेशनल नंबर हमको C1 मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद C और B के लिए आपको C2 एक रेशनल नंबर मिल रहा है, मतलब A और B के बीच में आपको 3 रेशनल नंबर दिख रहा है यहां पर C1, C और C2। कंटिन्यू दिस प्रोसेस वी गेट इनफाइनाइट मेनी रेशनल नंबर बिटवीन 2 डिस्टिंक्ट रियल नंबर A और B। तो इस प्रोसेस को अगर हम कंटिन्यू करते जाएं तो आपको इनफाइनाइट रेशनल नंबर मिलेंगे, मतलब दो रियल नंबर के बीच आपको इनफाइनाइट क्या मिलेंगे, रेशनल नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट थ्योरम था, थ्योरम यही था कि अगर हमारे पास दो रियल नंबर हैं तो उनके बीच आपको रेशनल नंबर मिलेंगे और जो रेशनल नंबर मिलेगा वो इनफाइनाइट मिलेगा। अब नेक्स्ट थ्योरम पर जाएंगे कि अगर दो रियल नंबर हमारे पास हैं तो उनके बीच इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या, रूट वाली संख्या, √2, √3, √5, √7, पाई हो गया आपका, ई हो गया, तो ये सब क्या है, एक अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर है और मिलेंगे भी, और मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, इनफाइनाइट मिलेंगे, क्या मिलेंगे, इनफाइनाइट मिलेंगे। तो चलिए सब थ्योरम इसका 6.2 करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है थ्योरम। बिटवीन टू एनी टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर देयर ऑलवेज लाइज अ इरेशनल नंबर, देयरफॉर इनफाइनाइट मेनी इरेशनल नंबर। वही सेम कॉन्सेप्ट कि दो अगर आपके रेशनल नंबर है, रियल नंबर है, उनके बीच इरेशनल नंबर, इनफाइनाइट रेशनल नंबर मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको हम प्रूव करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले मैंने वही जो पिछला थ्योरम मैंने प्रूव किया था सेम वही फॉलो करना है आपको, वही करना है। लेट ए एंड बी एनी टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर सच डैट A < B एंड B - C > 0 होगा। पहले थ्योरम में भी मैंने यही स्टार्ट किया था, ऐसे ही किया गया था, ठीक है। अब आ रहा है लेट एक्स बी अ एनी पॉजिटिव इरेशनल नंबर। मान लेते हैं कि कोई स्मॉल एक्स जो है क्या है, कोई पॉजिटिव रेशनल इरेशनल नंबर है, क्या है, पॉजिटिव इरेशनल नंबर है। देन बाई आर्कमिनियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर सच डैट, तो आपको क्या मिलेगा, एक ऐसा पॉजिटिव देन बाई आर्किमिडियन प्रॉपर्टी रियल नंबर सच डैट देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच डैट n इंटू बी माइनस ए जो होगा वो ग्रेटर देन होगा किससे, इस यक्स से, क्या होगा, इस यक्स से ग्रेटर देन होगा। अब हमने b से मल्टीप्लाई किया, n से मल्टीप्लाई किया और इस n को राइट साइड ले गए, उसके बाद n से डिवाइड कर दिया, तो कुछ इस तरह का आपका ये एक्सप्रेशन आ गया, b > n, b > a प्लस एक्स बाई एन, ये आ गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सिंस एक्स इज पॉजिटिव, क्या है, एक्स आपका क्या है, पॉजिटिव है, देन वी हैव, तो क्या हो जाएगा आपका, A < जो a होगा वो लेस होगा A + x/2n से और यह लेस होगा A + x/n से। इसको हमने कर दिया इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 और 2 आपको दिखेगा कि A होगा A + x/2n से और लेस होगा A + x/n से और यूआर लेस होगा किससे, बी से, यूजिंग 1 और 2 कर रहे हैं आप, देख सकते हैं इजीली, ठीक है। तो यहां से क्या होगा आपका, ये आ जाएगा नाउ A + x/n - A + x/2n क्या आएगा, जब आप इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो x/2n आएगा, इज इरेशनल नंबर, देयरफॉर A + x/n और A + x/2n कैन नॉट बी रेशनल नंबर।
अगर ये इरेशनल हो गए तो ये जो आपका एक्सप्रेशन है ये कभी क्या होगा, रेशनल नंबर तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि जब ये क्या होगा आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए इसमें आगे क्या करना है आपको, लेट वन एट लीस्ट वन देम से मान लेते हैं क्या है वो सी है, सी बी एन इरेशनल नंबर। ठीक है, दस वी हैव इरेशनल नंबर सी सच डेट क्या करेगा ए और बी के बीच लाइज करेगा ओ इरेशनल नंबर सी। रिपीटिंग द एबव आर्गुमेंट अब क्या करो, ए सी ले लो जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने लिया था, सी बी ले लो, वी गेट इरेशनल नंबर से सी वन एंड सी टू, नाम दे दिया क्या सी वन एंड सी टू सच डेट वो इरेशनल नंबर ए और सी के बीच में जो लाइज करेगा इरेशनल उसका नाम सी वन और सी और बी के बीच में सी टू। तो यहां से क्या मिलेगा, ए वो ए लेस देन सी वन लेस देन सी लेस देन सी टू और लेस देन बी, तो ये आपको कुछ इस तरह का मिलेगा। कंटिन्यू दिस प्रोसेस वी गेट इन फाइनाइट मेनी इरेशनल नंबर बिटवीन टू डिस्टिंग रियल नंबर ए और बी। तो इस प्रोसेस को हम आपने ए और सी लिया तो आपको सी वन इरेशनल नंबर मिला, फिर अब उसके बाद आप करो, अब इन दोनों को ले सकते हो ए और सी वन को ले लो, इन दोनों को अप्लाई करो तो आपको एक और इरेशनल नंबर मिलेगा। इसी तरह कंटिन्यू आप करते जाओ तो दो डिस्टिंक रियल नंबर के बीच आपको इनफाइनाइटली इरेशनल नंबर मिलेंगे और रेशनल नंबर मिलेंगे। तो आज का हमने क्या किया, क्या हमारा टॉपिक था डेंसेंसेस प्रॉपर्टी, यानी दो डिस्टिंक रियल नंबर के बीच हमें इनफाइनाइट रेशनल नंबर और इनफाइनाइट इरेशनल मिले। तो चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज यानी प्रॉब्लम और कुछ क्वेश्चन करेंगे। और प्रॉब्लम क्वेश्चन के लिए आप परेशान ना हो, पहले आप कंसेप्ट पे ध्यान दो, कंसेप्ट सीखो पहले, डिफिनेशन क्या है उसका एग्जांपल समझो, पहले ही आप प्रॉब्लम पे लगे हुए हो, अरे मैं लगवाऊंगा सर लगवाऊंगा, अगर कोई क्वेश्चन छूट भी जाता है तो मैं उसको जरूर सॉल्व कराऊंगा, ग्रुप में सॉल्व करके मैं सेंड कर दूंगा। तो प्रॉब्लम के चक्कर मत रहिए, जो बताया जा रहा है उसको कवर करिए, अच्छे से कवर करिए, नहीं समझ में आता है तो ग्रुप में ज्वाइन होइए और आपस में डिस्कस करो, आपस में डिस्कस करने से और बेटर कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो हमारा यही होगा प्रॉब्लम में कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो लगे हैं जो पूछे गए हैं इस कॉन्सेप्ट पे उसको मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, वीडियो में आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट जरूर करना, लाइक वीडियो को करो, कमेंट भी करो, शेयर करो फ्रेंड में और ऐसे स्टूडेंट के पास शेयर करो जो कोचिंग के लिए उनके पास पैसे नहीं है, वो उनको फ्री में बिल्कुल पढ़ाया जाएगा यूट्यूब पे, एएसटी यूट्यूब चैनल पे आपको बीएससी के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री की क्लास ऑलरेडी चलाई जा रही है। ठीक है, तो जाइए प्लेलिस्ट में जाइए, आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर की मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आपका आप कंटिन्यू अपने और शुरू से कोई भी टॉपिक अगर आप स्टार्ट करते हैं, जैसे अलजेब्रा का चैप्टर 1-2 आप स्टार्ट कर रहे हैं तो रिंग थ्योरी के डिफिनेशन से स्टार्ट करिए, ये नहीं कि बीच से कोई आप देखने शुरू करें तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मैट्रिक्स से शुरू से देखिए, रियल एनालिसिस शुरू से देखिए, आप चैप्टर 1 से देखिए, अच्छे से कब बताया गया बिल्कुल। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।